52 सांसद इन चिंच की लड़ाई लड़ेंगे। हमें आक्रामक बने रहना है तो राहुल गांधी, जो कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद बिल्कुल गुम से हो गए थे, बात की है उन्होंने और उन्होंने कहा है 52 सांसद इंच इंच की लड़ाई लड़ेंगे, हमें आक्रामक बने रहना है। बड़ी बात राहुल गांधी ने कही है, बैठक में काफी आक्रामक दिखे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी संसदीय दल की बैठक में बोले 52 सांसद इंच इंच की लड़ाई लड़ेंगे। बड़ी बात राहुल गांधी ने कही है, हमें आक्रामक बने रहना है। तो राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2019 में जिस प्रकार का प्रदर्शन कांग्रेस ने किया उसके बाद बिल्कुल सकते में थे, इस्तीफे की बात कर रहे थे, लेकिन अब बड़ी बातें कही है। कुमार पुष्कल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। पुष्कल, राहुल गांधी एक बार फिर से फॉर्म में आ गए हैं, क्या ये कहना काफी होगा 52 सांसद इंच इंच की लड़ाई लड़ेंगे? देखिए खुशबू, ये बोलना काफी आसान है कि अब कांग्रेस इंच इंच की लड़ाई लड़ेगी, केवल 52 सांसद इस बार लोकसभा में चुन के आए हैं, तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई मोड में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। पहले तो उन्होंने इस्तीफे की बात कही, इस्तीफे पर अड़े रहे, और अब जब कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई तो काफी आक्रामक मूड में राहुल गांधी दिखे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 52 सांसद इंच इंच की लड़ाई लड़ेंगे और वो आक्रामक रहे। कहीं ना कहीं अब आक्रामक रहने की बात अभी वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तो नरेंद्र मोदी की सरकार को बड़ा मैंडेट प्राप्त हुआ है और वो अपना काम शुरू कर दिए, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जस्टिफाई मूड में है। तमाम राज्यों में वो चुनाव हार चुके हैं, चाहे वो गुजरात की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, हरियाणा की बात कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस जीरो पर आ गई है, तो कहीं ना कहीं अब एक जस्टिफाई मोड में कहीं ना कहीं कांग्रेस दिखाई दे रही है। भले ही उन्हें एक तरह से ऑफिशियली संसदीय दल के नेता को चुनना है और उसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा उसके लिए चुनना है, तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ी बैठक मानी जा रही थी। कांग्रेस की तमाम 52 सांसद और राज्यों के प्रभारी यहाँ मौजूद थे और उसमें इस पूरे बैठक के बाद ये निकल के आया कि सोनिया गांधी फिर संसदीय दल की नेता चुनी गई है, लेकिन वो अब अधिकृत हो गई है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा उसके लिए वो अधिकृत हो गई है, सोनिया गांधी चुनेंगी कि लोकसभा का नेता कौन होगा। जी बिल्कुल। और पुष्कल, जो इतने दिन से आप देखिए जो जबरदस्त तरीके का कांग्रेस मुहापो की स्थिति चल रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अध्यक्ष बने नहीं रहना चाहते, वो कहते हैं गांधी परिवार का कोई होगा नहीं अध्यक्ष, और दूसरी तरफ जब इस प्रकार से संसदीय दल की बैठक में आक्रामक दिखते हैं राहुल गांधी, तो क्या अंदाजा लगाया जाए, क्या सारी जो खबरें थी उस पर ब्रेक लगा दिया जाए और ये माने हम कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बने रहेंगे, क्योंकि इस तरह की बात तो कोई अध्यक्ष ही कर सकता है, कोई नॉर्मल इंसान तो कर नहीं सकता कांग्रेस में। पुष्कर, देखिए खुशबू, अभी भी उनके इस्तीफे पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है और वो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि 7 और 8 जून को और वायनाड जाएंगे, वहां अपने वोटरों से मुलाकात करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने उन्हें जीत कर लोकसभा भेजा है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी अब चूंकि पहली बार बोलने का समय मिला तो उन्होंने साफ तौर पर एकदम आक्रामक मूड में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंच इंच की लड़ाई, 52 सांसद कितने इंच इंच की लड़ाई लड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल उन्होंने इस तरह का बयान दिया है और साफ तौर पर यह बयान चल भी रहा है और काफी आक्रामक दिखे और थोड़ी देर में वो लोकसभा वहां से संसद भवन से निकल चुके हैं अपने आवास की तरफ। जी बिल्कुल। तो पुष्कल, कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव एटीट्यूड हम मान सकते हैं ये कांग्रेस का, बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।